वेल नथिंग फोन टू ए की ऑफिशियल डेट कंफर्म हो गई है और नथिंग के यूट्यूब चैनल पे भी एक वीडियो आ गई है 2A के बारे में। नथिंग के चैनल पे जो वीडियो आई है उसमें उन्होंने स्मार्टफोन कंपनीज को डायरेक्ट टारगेट कर दिया है, लाइक वो वाला केस है ब्रो डोंट इवन हेजिटेट, और इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली इस वीडियो में काल पे ने जो चीज़ें कही हैं वो आज के टाइम में काफ़ी हद तक टेक इंडस्ट्री के लिए सही है। सबसे पहली बात उन्होंने कही थी कि जो बाकी स्मार्टफोन कंपनीज है वो अपने कस्टमर की केयर नहीं करती, जो नॉन फ्लैगशिप फ़ोन होता है वो या तो आउटसोर्स होता है या फिर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। ये चीज़ आपको भी पता है और मुझे भी पता है, सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी आउटसोर्सिंग की है, यानी कि कंपनीज के कुछ ऐसे फ़ोन जो उस कंपनी के द्वारा नहीं बनाए गए हैं किसी और OEM ने उन्हें बनाया है और वो कंपनी अपना ब्रांड नेम का यूज़ करके उसको सेल कर रही है। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो स्मार्टफोन कंपनी है वो सोचती है कि जो कस्टमर है उसका जो IQ लेवल है वो लो है, यानी कि वो पागल है, उसे टेक के बारे में कुछ नहीं पता। यानी कि कंपनीज यूज़र एक्सपीरियंस पे काम नहीं कर रही है, यूजलेस चीज़ों को यूज़ कर रही है और अच्छी स्पेक्स दिखा के मतलब एक यूजलेस प्रोडक्ट को सेल कर रही है। आपने भी देखी होगी कुछ स्मार्टफोन में चीप कलर्स यूज़ किए जाते हैं, पिंक टाइप के ऐसे अलग अलग कलर्स यूज़ किए जाते हैं, वो मतलब काफ़ी चीप से लगते हैं। ओके सो अब हम 2A के बारे में बात कर लेते हैं, इसमें क्या कुछ स्पेशल होगा। तो इस फ़ोन में पहले की तरह ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन होगा और अभी एक नई चीज़ सामने आई है, इसमें आपको आई शेप कैमरा मिलेगा और इसके काफ़ी सारे स्केच और रेंडर्स भी लीक हो गए हैं और वो भी आप देख सकते हैं। और बाकी इस फ़ोन में आपको 6.7 इंच की फुल HD 120 हर्ट्ज की OLED डिस्प्ले मिलेगी, ग्लास बैक मेटल फ्रेम के साथ, डायमेंसिटी 7200 का चिपसेट होगा, 50 मेन प्लस 50 अल्ट्रा वाइड मेगापिक्सल कैमरा होगा बैक में, और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल कैमरा, बैटरी 4900 mAh तक लिस्ट हुई है। और इसके बाद अगर हम चार्जिंग की बात करें तो 45 वोल्ट चार्जिंग, और ये फ़ोन नथिंग OS 2.5 पे आएगा और नथिंग OS अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा हो गया है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें ये एंड्रॉयड 14 पे आएगा और ये फ़ोन अंडर 30,000 आएगा। अगर हम इसके लॉन्च डेट की बात करें तो ये बिल्कुल कन्फर्म है, 5 मार्च को ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।